राजस्थान की रेत की धोरों से उठी खालिस आवाज आज हिंदुस्तान की आबो हवा में गूंज रही है। एक सुरों की साधना शुरू हुई तो गायकी में भी निखार आने लगा। गाने दर गाने मौसीकी की इस धार ने मुनव्वर को मौसीकी का माहिर बना दिया। मुनव्वर का जन्म बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हुआ। मुनव्वर को सुरों का साथ जन के साथ ही मिला। पिता मोहम्मद रमजान भी गायक हैं, जो सारेगामा 2000 के विनर भी रह चुके हैं। बस फिर क्या था, मुनव्वर ने सारेगामा की तालीम लेना शुरू कर दिया और हर बच्चे की तरह स्कूल की पढ़ाई भी चलती रही। अपने हुनर को तराशने का अभ्यास भी साथ में जारी रहा। 10 तक की पढ़ाई के बाद मुनव्वर मुंबई आ गए और आगे की पढ़ाई भी यहीं से हुई। मुनव्वर की आवाज और उसका अंदाज एक मंच की तलाश में था, जहां वो अपना हुनर लोगों को दिखा सके। और पहला मौका मुनव्वर को 16 साल की उम्र में मिला सोनी चैनल के शो वार परिवार में। इसके बाद मुनव्वर अपने हुनर के दम पर सफलता के शिखर की तरफ बढ़ते गए। 2009 में स्टार प्लस के फेमस शो म्यूजिक का महामुकाबला में शिरकत की और गायकी का जौहर दिखाया। साल 2012 में भारत की शान का हिस्सा बनकर मुनव्वर ने राजस्थान का नाम रोशन किया। काम को तारीफ मिली तो कामयाबी भी मिलने लगी। फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ मुनव्वर ने मोरा सैया, लॉस्ट, हम देश और नई नई आशिकी जैसे एल्बम भी अपने चाहने वालों के लिए लेकर आए। मुनव्वर की गायकी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। आवाज का ये जादूगर कई बड़ी फिल्मों में अपनी गायकी का दम दिखा चुका है। फिर चाहे वो राजनीति फिल्म का राष्ट्रगान हो या फिर मुंबई मिरर जैसी फिल्म हो। इसके साथ ही मुनव्वर के खाते में मैं कृष्णा हूँ, लकीर का फकीर, ग्रो अप, आखिरी सौदा और उम्मीद जैसी फिल्में भी शामिल है। मुनव्वर आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, उसकी आवाज ही उसकी पहचान है। रफी साहब का ये फैन घंटों रियाज करता है, जिसकी शुरुआत इसने 8 साल की उम्र से ही कर दी थी। मुनव्वर के हौसलों में वो परवाज है कि एक दिन जरूर गायकी के शिखर पर अपनी हुनर की चमक से सारे जहां को रोशन करेगा।